हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डीआरएक्समेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्कोडेक्स एलएस सिरप के बारे में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसका प्राइस, इसके यूजेस, कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और ये वर्क कैसे करते हैं। लास्ट में आपको बताऊँगा कुछ सेफ्टी एडवाइस। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, चलते डायरेक्ट वीडियो की तरफ। दोस्तों, जो हमारी ये सिरप है स्कोडेक्स एलएस, इसका प्राइस लगभग हमारा 129 रुपये की है, जो कि ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाई जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो हमारी ये सिरप है इसके यूजेस क्या हैं और डॉक्टर द्वारा कब प्रिस्क्राइब किया जाता है। दोस्तों, जो ये सिरप देखा गया है इसके यूजेस, अगर किसी व्यक्ति को कफ होता है, जैसे कि उसे खांसी हो रही है और साथ साथ में उसको म्यूकस भी आता है, जिसे हम बलगम कहते हैं, कफ के साथ में म्यूकस आ रहा है, तो उसी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा दी जाती है इस सिरप को, जिससे उसका जो कफ है वो भी ठीक हो जाता है और जो उसका म्यूकस आ रहा है वो धीरे धीरे पतला होकर वो निकल जाता है। और ये भी देखा गया है, अगर किसी व्यक्ति को रनी नोज, मतलब बहुत ही उसको नाक से पानी आ रहा हो और उसे छींके भी आ रही हो, जिसे हम स्नीजिंग कहते हैं, और तो और इचिंग भी हो रखा हो और तो और आँखों से भी पानी आ रहा हो, तो उस समय भी डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस सिरप को। तो जो ओवरऑल इसके यूजेस देखे गए हैं, अगर किसी व्यक्ति को कफ हो रहा है और साथ में उसको म्यूकस, मतलब बलगम भी आ रहा है, और तो और उसे रनी नोज, स्नीजिंग, ईचिंग और वाटरी आइज हो रहा है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है इस सिरप को। अब मैं बताता हूँ, जब आप इस सिरप को लेते हैं तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को दिखते हैं। जो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं, कभी कभार आपको हेडेक होगा, रेसेस भी होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है, स्टमक पेन भी हो सकता है और कभी कभार आपको वॉमिटिंग भी हो सकता है। इससे ज़्यादा कुछ लगे तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों, जो ये हमारी सिरप है, आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ज़्यादा ही कफ हो रहा हो और ज़्यादा ही आपको कोल्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, जैसे स्नीजिंग हो, रनिंग नोज हो, तो उस समय इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर की सहायता से लोगे तो बहुत ही अच्छा इस्तेमाल आपको होगा और आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे दिखेगा। आप एक एक चम्मच सुबह शाम से ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सहायता से। अब मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करती है सिरप। दोस्तों, जो ये हमारी सिरप है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मेडिसिन है, जैसे कि आप देख रहे हो। इसके अंदर हमारा लिवोसल्बुटामोल, एम्ब्रोक्सल और गुएफेंसिन है, जो कि तीनों मिलकर हेल्प करता है हमारे कफ को ठीक करने में और साथ में जो इसका म्यूकस है उसको धीरे धीरे पतला करके निकालने में हेल्प करता है। जो हमारा लिवोसल्बुटामोल है, वो एक टाइप का ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि रिलैक्स करता है हमारे मसल्स, एयरवे को, जिससे आपको सांस लेने में बहुत ही अच्छा लगता है। और एम्ब्रोक्सल है, जो कि हमारा एक टाइप का म्यूकोलाइटिक है, जो कि हमारा म्यूकस है, जो कि बलगम है, उसको धीरे धीरे पतला करके बाहर निकालने में बहुत ही सहायता करता है। और जो हमारा गुएफेंसिन है, वो एक टाइप का हमारा एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि डिक्रीज करता है स्टिकनेस ऑफ म्यूकस, मतलब जो हमारा बलगम है उसको जो चिपकने का होता है उसको बहुत ही कम करता है, तो वो धीरे धीरे वो रिमूव होने में हेल्प करता है। तो यही ये तीनों मिलके कैसे वर्क करता है, अब मैं आपको बताता हूँ। जब आप ये सिरप लेते हैं तो कुछ सेफ्टी एडवाइस, जो इसकी कुछ सेफ्टी एडवाइस है, पहले तो आपको डॉक्टर की सहायता से ही इसको लेना चाहिए और बच्चों को देने से पहले कृपया करके डॉक्टर से ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि आप इसको कौन से वाले दे रहे हो, क्योंकि ये बच्चों में भी अलग से आती है, जो कि जूनियर के नाम से आती है। और ये जो प्रेग्नेंट लेडी है, ब्रेस्ट फीडिंग लेडी है, कृपया करके डॉक्टर की सहायता से ही लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।